बीजेपी को समर्थन देने को तैयार शिवसेना, अखंड महाराष्ट्र और विकास के मुद्दे पर सशर्त समर्थन देने को तैयार, सत्ता में भागीदारी चाहते हैं विधायक शिवसेना के। आज शाम को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, पहले 2 बजे शुरू होनी थी बैठक। महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों के विधायक बैठक में नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए शाम के लिए टाल दी गई बैठक। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी अब कल ही जाएंगे मुंबई, दोनों को बनाया गया महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज नितिन गडकरी से कर सकते हैं मुलाकात, गडकरी के घर होगी बैठक, महाराष्ट्र के समीकरण पर होगी बात। महाराष्ट्र के नतीजों का शेयर बाजार ने भी मनाया जश्न, सेंसेक्स 390 अंक ऊपर खुला, निफ्टी में भी 110 अंकों की उछाल के साथ शुरू हुआ कारोबार। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी, 288 विधानसभा सीटों में 122 पर किया कब्जा। आज शिवसेना विधायकों की बैठक, 63 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर शिवसेना, नतीजों के बाद की बनेगी रणनीति, बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की प्रक्रिया बीजेपी की शुरू, कल होगी विधायक दल की बैठक, वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा बनाए गए पर्यवेक्षक। जीत के बाद बीती रात दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक, प्रधानमंत्री हुए शामिल, नतीजों पर हुई चर्चा। परिणामों के बाद एनसीपी ने किया ऐलान, बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार, आज मुंबई में एनसीपी विधायकों की बैठक, पार्टी तय करेगी आगे की रणनीति। बीजेपी के सहयोगी आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले ने कहा एनसीपी का समर्थन लेना ठीक नहीं, शिवसेना को साथ लाने की होगी पहल। एनसीपी के साथ बिल्कुल गठबंधन नहीं हो सकता है, मतलब मैं ये कोशिश करूंगा कि भाई बीजेपी और एनसीपी इकट्ठ आने से बीजेपी की इमेज खराब हो जाएगी। नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने सबसे ज्यादा अटैक किया था एनसीपी पर। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर सामना में शिवसेना की प्रतिक्रिया, अकेले दम पर बेहद सम्मानजनक आंकड़ा। सामना में शिवसेना ने लिखा पीएम पूरी तरह सरकार ने लगा दी थी अपनी ताकत, शेर की तरह किया मुकाबला। गठबंधन टूटने को लेकर सामना में जिक्र, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस एनसीपी को बड़ा फायदा, गठबंधन होता तो 25 तक नहीं पहुंच पाती कांग्रेस प्रत्याशी और एनसीपी। अमित शाह का शिवसेना को जवाब, कहा हमने किसी से गठबंधन नहीं तोड़ा, महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। मैंने जो कहा मेरी पार्टी की ओर से कहा है और मेरे पास जो सूचनाएं उपलब्ध है उसके आधार पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। खत्म हुआ फोन का सस्पेंस, आज तक पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उद्धव ठाकरे ने पीएम और अमित शाह को फोन पर जीत की बधाई दी। गोयल ने कहा उद्धव पहले फोन पर बधाई दे दी और बाद में बीजेपी ने भी शिवसेना को जीत की बधाई देकर शिष्टाचार निभाया। संसदीय बोर्ड में से किसी ने भी कोई फोन कॉल नहीं किया है, संसदीय बोर्ड की बैठक में किसी ने भी फोन कॉल उनको नहीं किया है। हरियाणा में पहली बार बजा बीजेपी का डंका, 90 विधानसभा सीटों में 47 सीटें लेकर बीजेपी को अपने दम पर बहुमत, तीसरे नंबर पर कांग्रेस। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी INLD 19 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर, हरियाणा जनहित कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वीकार की हार, राज्यपाल से मिलकर सौंपा इस्तीफा। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा तेज, सबसे पहला नाम मनोहर लाल खट्टर का, बीजेपी अध्यक्ष ने आज दिल्ली मिलने के लिए बुलाया।
मुख्यमंत्री की दौड़ में दूसरा नाम कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु माने जाते हैं लोकप्रिय जाट नेता। उद्धव का राज ठाकरे और नारायण राणे पर निशाना। कहा जिन्होंने बाला साहब को पहुंचाया दुख उनका हुआ बुरा हाल। बीड लोकसभा क्षेत्र से गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीती। 692,000 वोटों से जीत का बनाया रिकॉर्ड। सोनिया और राहुल ने महाराष्ट्र हरियाणा में स्वीकारी कांग्रेस की हार। राहुल ने बीजेपी को जीत पर बधाई दी। दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों को बांटी डिग्री। कहा ऐसे समारोह में गरीब छात्रों को भी बुलाया जाना चाहिए। तीस चालीस पचास जो भी आपकी कैपेसिटी हो उनको ये कॉन्वोकेशन में स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया जाए, बिठाया जाए और वो देखें ये दुनिया क्या है।